तो हेलो दोस्तों, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि हीरो की स्प्लेंडर BS6 बाइक का हम बिना यानी कि सेल्फ मोटर निकाले और बिना मैग्नेट चैम्बर खोले हम कैसे सेल्फ की कार्बन ब्रश को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल में बताने वाले, वीडियो में ज़रूर लास्ट शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यानी कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टूल बॉक्स की जो कवर होता है सिर्फ उसे निकालना है और यहाँ पे इस मैग्नेट की सेल्फ की आपको इस मैग्नेट को निकाल कर डायरेक्टली आपको इस मोटर को बाहर निकालना है आर्मेचर को, और यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी इसके अंदर है उसे अच्छी तरीके से आपको सबसे पहले साफ़ कर लेना है। और फिर मैं दिखाता हूँ आपको सेल्फ कार्बन, यहाँ से पहले ओरिंग वगैरह निकाल लेते हैं बल्चिन, और फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इससे नट आप डायरेक्टली इस तरफ से बिल्कुल आराम से खोल सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इजी तरीके के साथ आप इसे चेंज कर सकते हैं। हमें कोई भी इंजन वाइल निकालने की या मैग्नेट कवर खोलने की, आर्मेचर कवर खोलने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। सेम प्रोसेस है और बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। हमने हालाँकि पहले 5-6 महीना पहले एक वीडियो डाला था, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आप बिना मोटर निकाले आर्मेचर कॉइल खोले आप कार्बन ब्रश को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे कुछ भाई का ऐसे भी कमेंट आया था जो कि उन्होंने कहा था कि आप रियल में इस तरीके से चेंज करके दिखाए, इस पर हमें भरोसा नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कहा एक वीडियो क्यों ना रियल बनाया जाए और दिखाया जाए। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहे, आप जिस तरीके से हमें कमेंट करते हैं उसी तरीके से हम आप के लिए वीडियो बना के लाते हैं। तो यहाँ से इसे पहले सफाई करना है, देखिए कितनी ज़्यादा धूल है इसके अंदर। साफ़ सफाई इंजन की हो या बाहर की काम हो, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हमने साफ़ सफाई कर दिया, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ इसमें कार्बन कैसे डालना है। तो ये देखें सेल्फ की कार्बन जो कि पैशन प्रो, HF डिलक्स, स्प्लेंडर, ये सभी BS6 के यानी कि एक ही कार्बन लगता है। यहाँ पे देखें आप, ये कार्बन है और इधर आर्मेचर हो गया मेरा। तो आर्मेचर हालांकि ठीक ठाक है, अभी ये घिसा नहीं है। यहाँ से एक ये पत्ती होता है नीचे जो कि एक करंट यानी कि कार्बन की जो करंट होता है वो बॉडी में सटने नहीं देता है, वो बिल्कुल ऊपर रहने देता है। इसे आप ज़रूर लगाएं। आपने BS4 का भी मोटर में आपने ये चीज़ देखा होगा, उसमें भी होता है इस तरीके से, उसमें छोटा छोटा होता है। और यहाँ पे कार्बन ब्रश बैठने की ये प्लेट है प्लास्टिक वाली, और ध्यान रहे इसे आप अच्छी तरीके से खोले और सेटिंग करें, टूटे ना। टूटने अगर टूट जाता है तो फिर ये जल्दी मिलता नहीं है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसे चेंज करना है। यहाँ पे पहले हम निकाल के ऊपर की जो प्लस वाली वायर है जो कार्बन है उसे हम लगाएंगे पहले। और इसे दोस्तों हम लगाएंगे कैसे, क्योंकि इसमें एक पत्ती नहीं होता है जिसमें हम नट के ज़रिए से फंसा के टाइट कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं होता है। सिर्फ आपको नट लगाना है और यहाँ पे थोड़ा सा लूज करके और इसकी जो पॉइंट होता है उसे यहाँ पे फंसा के टाइट कर देना है। ये देखें, और यहाँ पे इसे हम टाइट कर देंगे। थोड़ा मेहनत लगता है गाइस, जल्दी ये बैठता नहीं है क्योंकि इसमें नट लगाने का नहीं होता। यहाँ पे देखें, मैं दिखाता हूँ आपको हमने किस तरीके से लगाया। सिर्फ यानी कि इसे हमने यहाँ पे इस तरीके से फंसा के नट में यानी कि दबा के टाइट कर दिया। इस कार्बन में पिन टाइप का नहीं होता है, यानी कि नट लगने वाला जो पत्ती लगता है वो चीज़ नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा हमें इस तरीके से काम करना होता है। नीचे में हालाँकि हमने एक ऊपर से पत्ती उसी का पहले वाला का काट के यानी कि लगा दिया ताकि अच्छी तरीके से ये दबा हुआ रहे। यहाँ पे देखें बिल्कुल कंप्लीट सेटिंग। आपको ये भी देखना है ये सक्सेस होता है या नहीं होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। लगाने का तो कोई भी लगा देता है,
यहाँ पे हमने स्प्रिंग डाला नया, और यहाँ पे इसे कार्बन को हम सेट करेंगे। थोड़ा यहाँ पे हमें मेहनत लगता है क्योंकि जगह यहाँ पे गाइज उतना नहीं होता, इसीलिए। अब यहाँ से हम आर्मेचर हमने लगा दिया, अब देखें बिल्कुल टकाटक जो इसकी वायर है, इसकी सेटिंग आपको अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, कहीं पे सटना नहीं चाहिए ये। अगर बॉडी से टच होता है या आर्मेचर से टच होता है तो दिक्कत है हमें शॉर्ट करने की। तो देखें बिल्कुल कंप्लीट, और बिल्कुल मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। अब उधर से अगर हम चेंज करते हैं तो हमें इंजन वाली निकालना होता है, फिर मैग्नेट की जो कवर होता है उसका हमें पैकिंग डालना पड़ता है आर्मेचर कवर की, और भी बहुत लफड़ा होता है हमें। यहाँ पे देखें इसे भी हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से। यहाँ पे डायरेक्टली आपको सेटिंग पे ला के एक बैग इसे अंदर की ओर डाल देना। अगर आप हल्का से ऐसे करते हैं यहाँ पे लगा के, फिर चुंबक के ज़रिए से आर्मेचर बाहर निकल सकता है, फिर हमें दोबारा मेहनत लगेगा। अब यहाँ से क्या करना है, इस तीनों बोल्ट को हमें टाइट करना है। तो फाइनली यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे इस वायर को आपको नहीं खोलना है, उसे लगा हुआ रहने देना है। यहाँ पे हम चलिए डायरेक्टली यहाँ से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सेल पे यानी कि चलने की कगार पे है। चलिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से नहीं होगा, हम सेल्फ डायरेक्ट लेके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली इसकी जो सेल्फ है वो बिल्कुल प्रॉपर ले रही है, पर क्या है यहाँ पे देखिए आप, बैटरी यानी कि डाउन कर रही है। सेल्फ यानी कि जो चलना चाहिए वो यानी कि वोल्टेज उसको उतना नहीं मिल रहा है पावर, इसीलिए इस तरीके से दिक्कत कर रही है। तो बैटरी लगने के बाद सेल्फ टकाटक इसकी चलेगी। तो वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे इससे भी और अच्छा अच्छा वीडियो ज़रूर पाए।